साक्षी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आपकी कक्षा पे। आज के वीडियो में हम लोग खोटा का सिलेबस देखेंगे JSSC CGL के लिए। जो JSSC का वैकेंसी आया है उसमें से पेपर 2 जो है उसमें से क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से प्रश्न रहेंगे। और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आप लोग फॉर्म भरते समय चूज़ कर लीजिएगा। आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा पकड़ है वही चूज़ कीजिएगा, चाहे वो खोटा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संथाली हो या कोई भी भाषा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज खोटा का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है, खोटा भाषा का। तो खंड क में क्या आएगा? खंड क में व्याकरण से प्रश्न रहेंगे, खोटा भाषा का व्याकरण से प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें से खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और अनार्थक शब्द, ये सभी रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी से क्वेश्चन आएंगे व्याकरण में, ठीक है, आपका खंड क में, ठीक है। इसके बाद खंड ख देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो इसमें पद्य साहित्य रहेगा, ठीक है। खोटा भाषा के लोकगीत, एक नंबर में खोटा भाषा के लोकगीत, लोकगीत की परिभाषा, जिसमें से लोकगीत के अंदर लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बारे में पूछा जाएगा। और 10 विविध गीतों का अध्ययन होना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब 10 अलग प्रकार के गीतों का अध्ययन आपको करना है। तो इसमें से देखिए गीतों के नाम भी दे दिए गए हैं कौन कौन सा गीत का अध्ययन करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। एक है संस्कार गीत, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, इसमें से आ जाता है तीनों, ठीक है, संस्कार गीत में। इसके बाद है पर्व त्यौहार गीत, इसमें से कर्म का गीत और सोहराई का गीत आता है, ठीक है। इसके बाद है श्रम गीत, इसके बाद है बाल गीत, इसके बाद है पांचवा नंबर में ऋतु गीत, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋतु गीत के बाद है सामान्य गीत। तो यहाँ पे देखिए संस्कार गीत, इसमें से 3 प्रकार के गीत आ गए, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 गीत, 7 8 9 10, टोटल 10 गीत का अध्ययन आपको करना है, 10 लोकगीत का, ठीक है, खोटा का। तो ये सारे गीत है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है शिष्ट गीत या कविताएं, खोटा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत। तो कविताएं एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है, संकलन या संपादक संतोष कुमार महतो द्वारा किया गया है इसका, ठीक है, से प्रथम 10 कविताएं आपको पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है, बुक का नाम है एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है, और इसके जो संकलनकर्ता या फिर संपादक हैं वो है संतोष कुमार महतो। तो इसमें से आपको प्रथम 10 कविताएं पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद ख में आपको दिखता है यहाँ पे गीत लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद ख में जो गीत लिखा हुआ है, तो इसमें से एक नंबर में है मांदिर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है, सुकुमार के द्वारा लिखित है ये। इसके बाद है बोने पाकल सया कोई, दिनेश दिनमणि के थ्रू लिखा हुआ है। सुहान लागे रे शांति भारत का, कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल का, हमर भारत महान, अंबुज कुमार का, मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक का, सांझे हांसी झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी का, बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखित है। इसके बाद सेवांतिक बाउड़ी मेला, ठीक है, इसका सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित है। इसके बाद 10 नंबर में जय माय जननी शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा लिखित है। तो इन 10 गीतों का अध्ययन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद खंड ग है, खंड ग में, इसके बाद खंड ग है, खंड ग में गद्य साहित्य है, ठीक है। इसमें से एक नंबर में लोक कथा आ जाता है। तो खोटा भाषा की 10 लोक कथाओं के बारे में हमें पढ़ना है। पहला नंबर में है 7 भाई 1 बहन, दूसरा नंबर में है धनिक धधैनी, तीसरा नंबर में है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, और चौथा नंबर में है गुद पुचु रानी और कौआ, पांचवा नंबर में है गोहाइल परब, छठा नंबर में है बूढ़ी और ओकर नाती, सातवां नंबर में है दो बिहाग दुर्गति, आठवां नंबर में है केतकी फूल, नौ नंबर में है लुइरगर बेटी छुआ, और 10 नंबर में है खूंटा भीतर चिया गोटा, ठीक है। तो इन 10 लोक कथाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या देखे, 10 लोकगीत के बारे में पढ़ना है, फिर देखा हमने 10 कविताओं के बारे में पढ़ना है, इसके बाद फिर हमने देखा 10
गीत और देखे हमने, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने 10 लोक कथा देखा, ठीक है। टोटल 40 हो चुका है, और देखते हैं आगे। इसके बाद दूसरा नंबर में शिष्ट कहानी है आपका गद्य वाला भाग में ही। इसमें से खौटा भाषा की 8 आधुनिक कहानियों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है छाईहर, दूसरा है बौनक लोर, तीसरा है हम जियब कैसे, चौथा है नावा जमींदार, पांचवा है उबार, छठा है जिनगी डोवानी, सातवां है ओ दीदा, और आठवां है हुब। तो ये सब तो शायद आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल का जो पहला पिछले वाला जो सिलेबस था उसमें से भी ये सब था। इसके बाद है अब नाटक तीसरा नंबर में, ठीक है। चाबी काठी नाटक पढ़ना है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी, ठीक है। चाबी काठी जो नाटक हैं इनके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी, और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चौथा है साहित्यिक निबंध पढ़ना है, 8 साहित्यिक निबंध आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम पर निबंध, और दूसरा है फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध, ठीक है। इस पर निबंध पढ़ना है आपको 2, और 8 साहित्यिक निबंध टोटल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और पांचवा नंबर में है निम्नलिखित खौटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, ठीक है। निम्नलिखित खौटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध लिखना है, मतलब इनकी जीवनियाँ आपको लिखनी है एक तरह से, ठीक है। मतलब जीवनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनके ऊपर, श्रीनिवास पानोरी, ए के झा का जीवनी आपको पढ़ना है, विश्वनाथ दसौंधी राज इनके ऊपर आपको पढ़ना है, विश्वनाथ नागर और शिवनाथ परमाणिक और श्याम सुंदर महतो, ठीक है। तो इन सभी पे आपको इनकी जीवनियाँ पढ़नी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पे जन्म लिया, कौन कॉलेज में पढ़े, फिर कौन कौन बुक लिखे हैं, ये सब बातें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किनका किनका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानोरी, ए के झा, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक और श्याम सुंदर महतो, तो इनके ऊपर पढ़ना है जीवनी, इनका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग टोटल सिलेबस देख लिए, क्या क्या है हमारा खौटा का सिलेबस जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो खौटा भाषा का सिलेबस हमने पूरा देख लिया। खंड क में आपका व्याकरण पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर खंड ख में पद्य साहित्य पढ़ना है, पद्य साहित्य के अंदर आपको खौटा भाषा के लोकगीत, जिसमें से 10 लोकगीत आपको पढ़ने हैं, जिनके बारे में विवरण यहाँ पे दे दिया गया है। और दूसरा इसमें से आपका पद्य साहित्य में ही कविता पढ़ना है, ठीक है, कविता 10 कविताएं पढ़ना है। फिर गीत आपको 10 पढ़ने हैं, गीत का भी यहाँ पे नाम दे दिया गया है। इसके बाद हम लोग खंड ग में आ जाते हैं, जिसमें से गद्य साहित्य है, इसमें से आपको लोक कथा पढ़ना है, 10 लोक कथा यहाँ पे नाम दे दिया गया है, ठीक है। और शिष्ट कहानी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 कहानियों के नाम है, जिसमें से बहुत सारे आपने पढ़े हैं पहले से। इसके बाद नाटक है 1 आपका चाबी काठी, लेखक श्रीनिवास पानोरी जी। इसके बाद साहित्यिक निबंध है, 8 साहित्यिक निबंध पढ़ने हैं, भाई बहन के शुभ अवसर करम जो पर्व है उसके ऊपर निबंध पढ़ना है, और सरहुल पर्व के ऊपर भी आपको निबंध पढ़ना है, और पांचवा लास्ट है आपका साहित्यकारों के जीवनियों के बारे में पढ़ना है, कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ से वे पढ़े, कौन कौन पुस्तक उन्होंने लिखी, उनके माता पिता के नाम, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ ही नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यही था आपका खौटा का सिलेबस, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।